हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि हम रोज आपके लिए एक नया घरेलू नुस्खा लेकर आते हैं, आज हम आपको पीले दांतों को सफेद करने के लिए हल्दी किस तरह से इस्तेमाल करें इसके बारे में आपको बताएंगे। हल्दी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। हल्दी हमारे दांतों से ना तो सिर्फ पीलापन हटाएगी, साथ ही हमारे दांतों से संबंधी कई और अन्य समस्याओं से भी हमें छुटकारा दिलाएगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस ब्रश का इस्तेमाल करके आप इजीली पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको बताते हैं आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा पीले दांतों से कई लोग कई बार शर्मिंदा होने का भी सामना करते हैं। इतना ही नहीं, इन पीले दांतों के कारण आप खुलकर हंस भी नहीं पाते, लेकिन हल्दी के इस उपाय से आसानी से आप पीले दांतों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से आधा चम्मच नारियल का तेल। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से आधा चम्मच नारियल का तेल। अब हम आपको इसको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले एक आप बाउल ले लें और उसमें दोनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आपको अपना ब्रश इसमें डुबोना है और दांतों को आराम से नॉर्मल तरीके से ब्रश करना है। इसके बाद इस पेस्ट को कम से कम 5 मिनट तक आप अपने दांतों पर लगा रहने दें, फिर आप अच्छे से कुल्ला कर लें। अब जैसे आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, वैसे ही आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन हल्दी से ब्रश करना है। आपको हफ्ते के अंदर ही इसका फ़र्क नज़र आने लगेगा। दोस्तों, इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे में कुछ ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो ये टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।